वीडियो पर ना सिर्फ तुम लोग फ्री स्टाइल वन टैप हेडशॉट ट्रिक सीखोगे बल्कि साथ ही पागल M10 की सिटअप हेडशॉट ट्रिक भी सीखोगे। सच बोलो तो तुम लोग वन टैप हेडशॉट तभी सीख पाओगे जब तुम लोग स्विच बटन का सही से यूज करना सीख जाओ। अरे लेकिन एटीट्यूड भाई, स्विच बटन एंड हमारे वन टैप हेडशॉट में क्या रिलेशन? तुम लोग बस इतना समझ लो कि बिना स्विच बटन का यूज किए तुम्हारे हेडशॉट्स भी बहुत ही कम लगते हैं। तू समझा? तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मेरा स्विच बटन ऑफ है एंड इसके बाद मैं फायरिंग कर रहा हूँ। तो स्विच बटन का बिना यूज किए तुम्हें बहुत सारे नुकसान होंगे, जैसे कि तुम्हारे ज्यादातर बुलेट्स बंदे के हेड पर नहीं बल्कि बंदे के बॉडी पर लगेगी। एंड दूसरी, अगर तुम्हारा हेडशॉट्स बंदे पर लग भी जाता है लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर स्ट्रेट खड़ा हो जाए। एंड यही कारण होता है कि तुम लोग फ्री स्टाइल वन टैप नहीं मार सकते। भाई मुंह की बात छील ली। एनीवेज गाइस, सबसे पहले तुम्हें अपने गेम के सेटिंग पर जाना। जैसे इसको तुम लोग अनेबल करते हो देन इससे तुम्हारे कस्टम HUD पर ये जो बटन है ये एक्स्ट्रा शो होगी। अब ध्यान से समझना, अगर तुम लोग टू फिंगर प्लेयर हो तो फिर तुम लोग फायरिंग करने के बाद तुम लोग इस गन बॉक्स से भी अपने गन को स्विच कर सकते हो, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। फायरिंग कर रहा हूँ देन यहाँ पर क्लिक करता हूँ जिससे मेरा गन स्विच हो जाता है। अच्छा, और चाहो तो स्विच बटन का भी यूज कर सकते हो एंड टू फिंगर वाले अपने अकॉर्डिंग उस बटन को सेट कर लेना। लेकिन अगर तुम लोग थ्री फिंगर प्लेयर हो तब तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हारा स्विच बटन हमेशा लेफ्ट के साइड पर ही होना चाहिए, बल्कि तुम्हें अपने स्विच बटन एंड रन बटन को ऐसा रखना चाहिए जिसको तुम लोग अलग अलग फिंगर से सेम टाइम पर प्रेस कर पाओ। और यही वाली है तुम्हारी स्विच बटन का एक बेस्ट पोजीशन। लेकिन एटीट्यूड भाई, मैं अपने स्विच बटन एंड अपने रन बटन को एक साथ प्रेस नहीं कर पाता, और अगर मैं दोनों बटन को सेम टाइम पर क्लिक कर देता हूँ लेकिन फिर भी मेरे हेडशॉट्स नहीं लगते। क्वेश्चन, इसका मेन कारण है कि तुम लोग स्विच एंड रन बटन को सही टाइमिंग पर प्रेस नहीं कर पाते। तो टेंशन मत लो और ध्यान से देखो, तुम्हारे बटन्स कभी भी मिस ना हो इसके लिए सबसे पहले तुम लोग एक चीज को कर सकते हो, मतलब कि जैसे तुम लोग फायरिंग करते हो देन तुरंत से तुम्हें अपने स्विच एंड रन बटन को देखना है देन इसके बाद ही प्रेस करना। इससे बहुत ही जल्दी तुम्हारे माइंड पर ये सेट होता है और तुम्हारे बटन्स बहुत ही कम मिस होते हैं। और अगर बात करें कि स्विच बटन का यूज करने के बावजूद हमारे हेडशॉट्स क्यों नहीं लगते, मतलब कि मान लो जब तुम लोग रोटेशन ड्रैग का यूज करते हो तो फायर बटन को यहाँ तक रोटेट करने के बाद ही तुम लोग स्विच बटन एंड रन बटन का यूज करो, मतलब कि जैसे ही फायर बटन को रोटेट करते हुए तुम लोग स्ट्रेट पर ला लेते हो देन इसके बाद ही तुम लोग स्विच बटन एंड रन बटन को प्रेस करो। ओके, लेकिन ध्यान रहे इन दोनों को एक साथ प्रेस नहीं करना, मतलब कि पहले तुम लोग स्विच बटन का यूज करो एंड तुरंत से तुम अपने रन बटन का भी यूज करना एंड बस थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ही तुम्हारे हेडशॉट्स लगने लगेंगे। अच्छा एटीट्यूड भाई, स्विच बटन का यूज करने के कितने सारे फायदे हैं? वो तो बता दो। सिंपली समझो तो स्विच बटन का यूज करने से तुम्हारे बंदे पर बॉडी शॉट बहुत ही कम लगते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारा एम बंदे के बॉडी पर भी होता और स्विच बटन का तुम लोग यूज करते हो तो तुम्हारा एम बंदे के हेड तक आ जाता है। और इस चीज को तुम लोग साफ साफ देख सकते हो बैकग्राउंड के गेम प्ले पर। एंड दूसरा फायदा तो यह है कि इसका यूज करने से तुम्हारे गजब के हेडशॉट्स लगते हैं। फायरिंग के बाद स्विच बटन का यूज करने से तुम्हारा एम अचानक से बहुत ही ऊपर चला जाता है, और इस कारण से स्विच बटन का यूज करके हेडशॉट्स मारने पर यह बहुत ही ज्यादा यूनिक लगता है। तो सबसे पहले तुम लोग इस क्लिप को देखो जिस पर मैंने जब फायरिंग किया अचानक से मेरा कैरेक्टर बैठता है जिसके बाद गजब के हेडशॉट्स लगते हैं। तो ये करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। चुप कर बे कुत्ते। सबसे पहली चीज कि तुम्हें अपने एम को बंदे के बॉडी पर रेड करना है। अब देखो तुम लोग व्हाइट एम से भी इस तरह का हेडशॉट्स मार सकते हो, लेकिन अगर रेड एम से मारते हो तुम्हारे मिस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। जैसे ही एम सेट हो जाता है तुरंत से तुम्हें अपने सीट बटन को प्रेस करना। जैसे ही तुम लोग बैठते हो तुरंत से तुम्हें फायरिंग करना है रोटेशन ड्रैग एंड रोटेट करके ड्रैग जैसे ही कंप्लीट करते हो स्विच बटन एंड रन बटन का यूज करना। अब देखो तुम या फिर मैं हैकर तो हूँ नहीं कि हमारे सारे बुलेट्स बंदे को बस हेडशॉट्स ही लगे। सही बात है। और इसीलिए जैसे ही बंदे पर तुम्हारा बुलेट मिस होगा तो तुरंत से तुम्हें अपने कर्सर बटन का यूज करना एंड इसके बाद सारे के सारे स्टेप्स को तुम्हें फिर से दोहराना है। एंड यहाँ पर तुम लोग नंबरिंग वाइज देख सकते हो किस बटन को किस समय पर दबाना चाहिए। तो सिंपली तुम लोग इस चीज को स्क्रीनशॉट मार कर रख लो। सो गाइज, एंड अब बात करते हैं फ्री स्टाइल वन टैप हेडशॉट ट्रिक की। अब देखो फ्री स्टाइल का हेडशॉट मारने के लिए तुम्हें एक सुपर जंप की ट्रिक भी सीखनी हो एंड नेक्स्ट वीडियो सुपर जंप के एक डेडिकेटेड वीडियो हो। और सच में अगर तुम लोग यूट्यूबर्स की तरह हेडशॉट्स मारना चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली उस नेक्स्ट वीडियो को भी तुम लोग देख पाओ। एनीवेज इस वीडियो पर बस इतना समझ लो कि तुम्हें फायरिंग करने से पहले जंप करना होगा। सबसे पहले चीज, अगर तुम्हें फ्री स्टाइल से हेडशॉट्स मारना है तो तुम्हें रन करते हुए होना होगा। देन सबसे पहले तो तुम्हें अपने स्विच
बटन एंड जंप बटन को एक साथ पर प्रेस करना। ध्यान रहे कि तुम्हारा जो एम होता है वो बंदे के आसपास ही रहना चाहिए, इसको इधर से उधर नहीं करना। देन जंप करते ही तुम्हें सबसे पहले तो रोटेशन ड्रैग का यूज करना, और जैसे ही रोटेट करते हुए यहाँ तक तुम लोग अपने फायर बटन को लाते हो, देन सिंपली तुम्हें कुछ भी नहीं करना, अपने स्विच बटन एंड रन बटन को प्रेस करना। बस मेरी गारंटी मानो, इतना करने से तुम्हारे गजब के हेडशॉट्स लगने लगेंगे। लेकिन गाइस, अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज से कर लेना।